नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल GRV स्टडी में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोग इसका लाभ ले सकें। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना अगला टॉपिक जिसमें हम बात करेंगे वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम VRS साइकिल के बारे में बात करेंगे। VRS साइकिल में दोस्तों सबसे पहले हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज जान लेते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन टर्म्स हमारे एग्जाम में आएंगे पहले उनको देख लेते हैं। तो VRS हमारा कब वर्क करता है, जब हमारे पास लो ग्रेड एनर्जी हो। दूसरी चीज़ दोस्तों, बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई हो, मींस हाई बॉइलिंग पॉइंट। हाई बॉइलिंग पॉइंट। तीसरी चीज़ दोस्तों, इसमें जो हीट अवेलेबल होती है वेस्ट हीट बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होती है, मींस लार्ज वेस्ट हीट अवेलेबल। चौथी चीज़ दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट बहुत हाई होता है, इसलिए हम VRS का उपयोग करते हैं। VRS का उपयोग करने का चौथा रीज़न क्या होगा दोस्तों, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज वेरी हाई। और VARS को VCRS से अलग कौन बनाता है, तो वो देख लीजिए। इसमें जो VCRS में जो हमने कंप्रेसर पढ़ा था, वो कंप्रेसर इसमें रिप्लेस हो जाता है। और कंप्रेसर को कौन कौन से रिप्लेस करते हैं उसके बारे में देख लीजिए। कंप्रेसर जो रिप्लेस किया जाता है वो हमारा किया जाता है रिप्लेस्ड बाई APG। आप ऐसे ही याद कर लीजिए, APG अब्दुल कलाम। आपसे पूछेगा VRS सिस्टम में क्या होता है VCRS सिस्टम से अलग, तो आप बता दीजिएगा APG आपके दिमाग में। APG सेट कर लीजिए। APG क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। A का मतलब होता है दोस्तों एब्जॉर्वर, P का मतलब दोस्तों होता है पंप, और G का मतलब दोस्तों होता है जनरेटर। इसको याद करने की ट्रिक हमने आपको बता दी, आप याद कर सकते हैं कैसे शॉर्ट ट्रिक में, APG अब्दुल कलाम टाइप से याद कर लेते हैं दोस्तों। VRS साइकिल की जो दोस्तों COP होती है बहुत कम होती है, मतलब वेरी लो सीओपी कहने का मतलब लेस देन वन। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि VRS साइकिल की COP होती है एक से ज़्यादा, जीरो या एक से कम, तो आपको बताना है कि VRS की COP होती है लेस देन वन। फिर आपसे पूछा जाएगा VRS सिस्टम में कंप्रेसर के जगह पे क्या क्या लगाया जाता है, तो आपको बताना है दोस्तों एब्जॉर्बर पंप जनरेटर APG। VRS सिस्टम क्यों यूज किया जाता है, लो ग्रेड एनर्जी कारण, हाई बॉइलिंग पॉइंट, कास्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बहुत हाई होने कारण, लार्ज वेस्ट हीट अवेलेबल होने कारण। फिर दोस्तों इसके जो एग्जांपल हैं उसको भी देख लीजिए, एग्जांपल कौन कौन से हैं इसके। तो एग्जांपल इसमें हमारा जो होता है VRS का, वो होता है सोलर रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो होता है ना दोस्तों, हमारा सोलर रेफ्रिजरेशन सिस्टम वो VRS के प्रिंसिपल पे ही काम करता है। तो सोलर रेफ्रिजरेशन सिस्टम वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ VARS। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो हमारे VRS में रेफ्रिजरेंट यूज होते हैं, एब्जॉर्बर यूज होते हैं, वो कौन कौन से हैं उसको भी आप देख लीजिए दोस्तों। तो VRS साइकिल में हमारी दो चीज़ें यूज होती हैं। एक तो दोस्तों यूज होता है अमोनिया प्लस वाटर, NH3 प्लस वाटर, और एक दोस्तों यूज होता है हमारा लिथियम ब्रोमाइड प्लस वाटर। अब आपसे दोस्तों पूछेगा इसमें कैसे पूछेगा, क्वेश्चन देखिए। VARS साइकिल में NH3 और वाटर में से हमारा रेफ्रिजरेंट कौन सा होता है और एब्जॉर्बर कौन सा होता है, तो आप ध्यान रखिएगा NH3 हमारा किस तरह यूज करता है, रेफ्रिजरेंट की तरह यूज होता है, ठीक है। और वाटर हमारा दोस्तों कैसे यूज होता है, एब्जॉर्बर की तरह यूज होता है। और लिथियम ब्रोमाइड और वाटर में दोस्तों लिथियम ब्रोमाइड हमारा एब्जॉर्बर की तरह यूज होता है,
और वाटर दोस्तों हमारा कैसे यूज होता है, रेफ्रिजरेंट की तरह यूज होता है। तो दोस्तों छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलेंगे VARS से LPCVT2 में आपका क्वेश्चन में ये टॉपिक मेंशन है, और आपको यही सब क्वेश्चन में से एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में। तो ध्यान रखिएगा कि कंप्रेसर को रिप्लेस करने के लिए क्या क्या लगाया जाता है इसमें, एब्जॉर्बर पंप और जनरेटर, इसकी COP बहुत कम होती है, 1 से कम होती है। आपसे पूछ ले सोलर रेफ्रिजरेशन सिस्टम किस पे वो काम करता है, तो आपको बताना है VARS के प्रिंसिपल पे काम करता है। VARS में NH3 और वाटर में हमारा रेफ्रिजरेंट कौन होता है, एब्जॉर्बर कौन होता है। VARS में लिथियम ब्रोमाइड और वाटर में एब्जॉर्बर कौन होता है, रेफ्रिजरेंट कौन होता है। ये सब छोटी छोटी चीज़ें दोस्तों आपसे एग्जामिनेशन पूछेगा और आपको यहाँ से याद करके जाना है। फिर दोस्तों अभी हम आपको जो अमोनिया हमारा रेफ्रिजरेंट की तरह यूज हो रहा है इसकी कुछ प्रॉपर्टी बताएंगे, आगे बताएंगे। अब हम बात करते हैं कि इसके फिगर की कैसे ये बनता है, इसके बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। अब हम बात करते हैं दोस्तों VARS की। देखिए सब कुछ फंक्शन वही है जैसे हमने VCRS में पढ़ा था, बस हमने क्या बताया आपको कि कंप्रेसर कौन रिप्लेस करता है, एब्जॉर्बर पंप और जनरेटर, ये तीन चीज़ें। देखिए कंप्रेसर यहाँ पर लगता था हमारा, कंप्रेसर जहाँ क्या लग गया दोस्तों, एब्जॉर्बर पंप और जनरेटर लग गया दोस्तों। अब फंक्शनिंग देखिए कैसे है दोस्तों, हमारा हीट एब्जॉर्ब करता है इवेपोरेटर, यहाँ से रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट एब्जॉर्ब करता है हीट हमारा यहाँ से। इसमें जो हमारा इन होता है दोस्तों NH3 की वेपर इन कराई जाती है, इसमें क्या इन कराया जाता है दोस्तों, NH3 की वेपर हमारी जाती है एब्जॉर्बर के पास। एब्जॉर्बर जो जनरेटर से हमारा वीक सॉल्यूशन वाटर का आता है उसके साथ NH3 को मिक्स करता है और कुछ हीट यहाँ पे रिजेक्ट कर देता है। देखिए एब्जॉर्बर हीट रिजेक्ट कर रहा है यहाँ पर, जब एब्जॉर्बर हीट रिजेक्ट कर देता है तो हमको अब एब्जॉर्बर के आउटलेट पे क्या मिलेगा दोस्तों, NH3 मिलेगा, अमोनिया और प्लस वाटर मिलेगा। किस फेज में मिलेगा दोस्तों, लिक्विड फेज मिलेगा। और अब आपके दिमाग में ये चीज़ कहीं ना कहीं आ रही हो कि इसमें लिक्विड फेज में क्यों मिलेगा। हमने आपको दोस्तों VCRS में समझाया था कि कंप्रेसर किसके साथ डील करता है, वेपर के साथ डील करता है। पंप किसके साथ डील करता है दोस्तों, वाटर के साथ डील करता है, लिक्विड फेज के साथ डील करता है। ठीक है दोस्तों, अब हमारी बात हुई यहाँ तक। इसके लिए NH3 वाटर पंप में पहुँचेगा, पंप इसको प्रेशराइज करेगा और ऊपर की ओर भेज देगा। फिर ये पहुँच जाएगा लिक्विड एमोनिया और वाटर हमारा पहुँच जाएगा जनरेटर में। जनरेटर में हम हीट देते हैं, हीट देने के बाद ये जो हमारा अमोनिया और वाटर होता है ये वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाता है पूरी तरह से। उसके बाद वेपर फेज में कन्वर्ट होने के बाद जो कुछ भी यहाँ वाटर अगर बच जाता है तो उसको हम पुनः वहाँ से भेज देते हैं एब्जॉर्बर में, और बीच में एक वाल्व लगा होता है प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व, क्योंकि जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आप जानते हैं टेम्परेचर बढ़ाते ही प्रेशर भी बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा अगर डायरेक्ट हम उसको एब्जॉर्बर में भेज देंगे तो एब्जॉर्बर हमारा फटने का चांस हो सकता है, तो इसीलिए बीच में क्या लगा दिया जाता है दोस्तों, PRV मीन्स प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व। PRV लगाने से हमारी जो हाई टेम्परेचर की वाटर यहाँ से आ रहा होता है हाई टेम्परेचर का, वो PRV पे आने के बाद उसका प्रेशर कम हो जाता है और वो पुनः एब्जॉर्बर में आ जाता है। फिर यहाँ से आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ से हमारा क्या निकल रहा होता है दोस्तों, जनरेटर के आउटलेट से हमारा निकल रहा होता है दोस्तों वेपर। फिर भी आगे दोस्तों एक वाल्व लगा दिया जाता है ताकि अगर थोड़ा सा भी हल्का भी एक भी लिक्विड ड्रॉपलेट हो वाटर का तो यहाँ से हट जाए, क्योंकि कंडेंसर में आप जानते हैं वाटर की एक भी ड्रॉपलेट नहीं जा सकती है। अगर वाटर की एक भी ड्रॉपलेट गई तो कंडेंसर क्या क्या हो जाएगा दोस्तों, चोक हो जाएगा। फिर दोस्तों कंडेंसर के पास जैसे ही वेपर हमारा पहुँचता है अमोनिया वेपर, ये क्या होती है यहाँ से हीट को रिजेक्ट करना चालू कर देता है कंडेंसर एटमॉस्फियर में, और फिर आप जानते हैं पूरी प्रोसेस एक्सपेंशन वाल्व या कैपिलरी ट्यूब यहाँ पर आती है। फिर ये आपका पुनः वही प्रोसेस चालू हो जाता है, फिर आपकी यहाँ पर अमोनिया वेपर के रूप में आ जाती है वेपरेटर में, अमोनिया वेपर से फिर ये एब्जॉर्बर पास जाती है। तो ये प्रोसेस आपकी लगातार क्या होती रहती है दोस्तों, चलती रहती है। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं कि जो हमने पढ़ा सिस्टम, इसकी COP क्या होती है। हम आपको COP दोस्तों कैलकुलेट करके बताएंगे, लेकिन 23 तारीख के बाद दोस्तों, क्योंकि अभी आपको एग्जाम देना, एग्जाम ओरिएंटेड हम पढ़ाई करेंगे दोस्तों डायरेक्ट। अब दोस्तों COP क्या होती है VARS की, पहले उसको देखते हैं फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो COP दोस्तों होती है VARS की COP होती है दोस्तों TG-TO डिवाइडेड बाई TG, फिर TE डिवाइडेड बाई TO-TE। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे इतना लंबा कैसे याद किया जाए, GOE GO GOE GO, आपको ध्यान रखना है GOE GOE। ठीक है दोस्तों, TG-TO TE TG-TO TE। ठीक है दोस्तों, तो TGO GOE GOE ये क्या है, जनरेटर का टेम्परेचर, ये आउटसाइड टेम्परेचर, ये जनरेटर का टेम्परेचर, ये इवेपोरेटर का टेम्परेचर, ये आउटसाइड टेम्परेचर, ये इवेपोरेटर का टेम्परेचर। तो ये हमारा क्या निकल कर क्या गया दोस्तों, COP किसकी, VARS की। तो ये आपको याद रखना है।
एलपी वाले आपके एग्ज़ाम में आईजीटी ये फार्मूला आपको मिलेगा देखने के लिए। इसके बाद इस पे जो ये हमारा क्वेश्चन है इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है दोस्तों, देखिए वीआरएस सिस्टम वर्क कर रहा है जनरेटर के साथ, एम्बियंट मतलब बाह्य वातावरण, और इवेपरेटर के साथ जो कि टेम्परेचर यहाँ पर दिए गए हैं। जनरेटर का टेम्परेचर दोस्तों कितना दिया गया है 350 केल्विन। उसके बाद दोस्तों आउटसाइड टेम्परेचर कितना दिया गया है 290 केल्विन। इसके बाद दोस्तों इवेपरेटर का टेम्परेचर कितना दिया गया है 230 केल्विन। इसको आप यहाँ पर पुट कर दीजिए, आपको सीओपी मिल जाएगी वीआरएस की। तो हम इसको पुट करते हैं, क्या हो जाएगा वीआरएस का जीओ, एक जहाँ लिखेंगे 350 माइनस 290 डिवाइड बाय ई, एक हो गया आपका दोस्तों जीओ ई। फिर यहाँ आगे बढ़ेंगे, यहाँ क्या बचेगा जीओ हो गया, यहाँ ई बचेगा डिवाइडेड बाई, फिर यहाँ नीचे क्या हो गया जी हो गया ओ ई, यहाँ बचेगा 290 माइनस 230। इसको आप सॉल्व कर लीजिए दोस्तों, आपकी जो सी ओ पी निकल करके आएगी वी आर एस की वो निकल करके आएगी 0.65। अब आपने देखा कि जो हमारी सी ओ पी है वो लेस देन वन आई, तो इससे हमें पता चला कि वी आर एस की सी ओ पी लेस देन वन होती है, सी ओ पी वी आर एस की लेस देन वन होती है। अब हम बात करते हैं अमोनिया की कुछ प्रॉपर्टीज़ की, अमोनिया रेफ्रिजरेंट के तौर पे क्यों यूज किया जाता है। तो यहाँ पर आप हेडिंग बनाइए प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमोनिया रेफ्रिजरेंट, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके बनेंगे एमसीक्यू। तो देखिए पहली चीज अमोनिया कुछ प्रॉपर्टीज हैं। अमोनिया दोस्तों हमारा कलरलेस होता है, अमोनिया कलरलेस होता है, और एक गैस भी होती है अमोनिया, तो अमोनिया कलरलेस गैस होती है, ठीक है। इसका जो दूसरा प्रॉपर्टी है, इसकी जो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होती है ना दोस्तों, ये बहुत हाई होती है। तो अमोनिया की दूसरी प्रॉपर्टी क्या हो गई, हाई लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कितनी होती है, ये भी याद करना चाहें तो आप लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं 15 डिग्री सेल्सियस टू होती है दोस्तों ये, हाँ 1315 किलो जूल पर केजी। लेटेंट हीट निकालने का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, क्यू इजक्वल टू एम इंटू एल, जहाँ एल क्या है लेटेंट हीट, तो यहाँ से एल इजक्वल टू क्या आ जाएगा क्यू बाई एम। क्यू हम किस में निकालते हैं जूल या किलो जूल में, एम किस में होता है केजी में, तो यूनिट भी आप देख लीजिए किलो जूल पर केजी, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद जो एक रेफ्रिजरेंट अच्छा रेफ्रिजरेंट होता है उसके पास क्या क्या होना चाहिए, उसकी क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ से हर जगह पेपर में क्वेश्चन आते हैं, जैसे सी जे ई देखिए आप, चाहे आप अपने एल पी में देखिएगा, चाहे आप आर आर बी जे ई में देखिएगा, चाहे आप यू पी ट्रिपल एस सी जे ई में देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपको 101% मिलना है। तो क्या होती है गुड प्रॉपर्टीज रेफ्रिजरेंट की, ए गुड रेफ्रिजरेंट शुड हैव, एक अच्छे रेफ्रिजरेंट पास क्या क्या होना चाहिए उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो नंबर वन पॉइंट क्या होना चाहिए इसके पास, इसका जो क्रिटिकल टेम्परेचर है ना दोस्तों, जो हम टीएस डायग्राम ऐसे बनाते थे, टीएस डायग्राम में ये जो होता था ये क्रिटिकल टेम्परेचर होता था, हमने आपको बताया है। तो ये क्रिटिकल टेम्परेचर है दोस्तों, ये बहुत ही हाई होना चाहिए, पहली प्रॉपर्टी है इसकी, मतलब अच्छे रेफ्रिजरेंट के पास ये चीज़ होनी चाहिए, हाई क्रिटिकल टेम्परेचर, हाई क्रिटिकल टेम्परेचर। दूसरी चीज़ दोस्तों क्या होनी चाहिए, लार्ज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अभी हमने देखा अमोनिया से ही हमको ये चीज़ क्लियर हो गई कि लार्ज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, कहीं दोस्तों स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगी तो आप लोग उसके लिए सॉरी, आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि जल्दी जल्दी याद करना पड़ता है, तुरंत उस चीज़ को लिखना पड़ता है, पहले अपने दिमाग में लाना पड़ता है क्या क्या टर्म है, फिर उनको लिखना पड़ता है। फिर इसके बाद दोस्तों क्या होना चाहिए इसमें, थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में भी हम लोग दोस्तों चर्चा करेंगे आपसे, थर्मोडायनेमिक्स में क्या होती है थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल मतलब दोस्तों हो गया ऊष्मा, कंडक्टिविटी मतलब हो गया दोस्तों चालन, तो इसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी होनी चाहिए वो भी क्या होनी चाहिए, हाई कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी लार्ज थर्मल कंडक्टिविटी होनी चाहिए। फ्रीजिंग पॉइंट इसका लो होना चाहिए, क्योंकि फ्रीज नहीं करना चाहिए, पता लगा आपने वेपर भेजा जनरेटर तक पहुंचने से पहले ही वो फ्रीज हो गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, लो फ्रीजिंग
पॉइंट, इसीलिए यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट लो रखते हैं। और देखिए टेम्परेचर कितना हम हाई मेंटेन करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा वेपर वेपर फॉर्म में ही बना रहे, और लो फ्रीजिंग पॉइंट होने मतलब ये है कहीं ऐसा ना हो कि पहुँचते पहुँचते हमारा ठंडा हो गया रास्ते में ही और बर्फ़ जम गई, ठीक है, जिससे हमारा सिस्टम जो है चोक कर जाए। चौथी चीज़ दोस्तों क्या होती है यहाँ पर, लो फ्रीजिंग पॉइंट। उसके बाद दोस्तों पाँचवीं चीज़ क्या होती है यहाँ पर, पांचवी चीज़ देख लीजिए दोस्तों क्या होती है यहाँ पे, ऑपरेटिंग प्रेशर जो होता है दोस्तों, ऑपरेट जिस प्रेशर पे हम ऑपरेट करते हैं, जैसे इवेपरेटर का प्रेशर हमारा क्या था, कांस्टेंट था, कंडेंसर का प्रेशर हमारा क्या था, कांस्टेंट था दोस्तों, जो हम कंप्रेशन करा रहे थे या एक्सपेंशन करा रहे थे, लोग इस पर करा रहे थे आइसेंट्रॉपिक, मतलब एंट्रॉपी कांस्टेंट थी, तो यहाँ पर जो ऑपरेटिंग प्रेशर होता है वो भी क्या होना चाहिए, लो, लो ऑपरेटिंग प्रेशर। उसके बाद दोस्तों अगली चीज़ क्या होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन याद रख लीजिए, कभी कभी क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं होती हैं पेपर में वही चीज़ें पूछ ली जाती हैं, हाई वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। मतलब डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहने का मतलब क्या होगा दोस्तों, कि अमोनिया वाटर में मिल जाए, घुल जाए, एब्जॉर्बर किस लगाया जाता है ताकि अमोनिया वाटर एक दूसरे को एब्जॉर्ब कर लें, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आया होगा। उसके बाद दोस्तों एक बात और कर लेते हैं कि अमोनिया के साथ में कौन सा मटेरियल यूज करना चाहिए, अमोनिया के साथ मटेरियल कौन सा यूज करना चाहिए। तो अमोनिया के साथ दोस्तों जो मटेरियल यूज किया जाता है वो हमारा यूज किया जाता है रॉट आयरन, ढलवा लोहा शायद इसको बोलते हैं, एंड स्टील। अगर इसके अलावा कोई और भी मटेरियल हम यूज करते हैं तो हो सकता है कि वो उसमें रस्टिंग हो जाए या फिर जंग लग जाए, ठीक है दोस्तों। तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो आज हमने चर्चा कर ली VRS साइकिल क्या है, VRS साइकिल की COP क्या है, उस पर एक क्वेश्चन भी हमने डील कर लिया, फिर हमने देख लिया अमोनिया जो रेफ्रिजरेंट होता है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, हमने देख लिया कि अमोनिया कलरलेस होता है, अमोनिया हमारा हाई लेटेंट हीट वेपराइजेशन होता है। उसका दोस्तों जो हम पेशाब करते हैं, ह्यूमन यूरिन जो होती है उसमें से किस चीज़ की महक आती है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों, अमोनिया की महक आती है। तो बायोलॉजी का भी ये आपका एक अच्छा क्वेश्चन है। उसका दोस्तों एक गुड रेफ्रिजरेंट के पास कौन कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होना चाहिए, लार्ज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होना चाहिए, थर्मल कंडक्टिविटी हाई होनी चाहिए, फ्रीजिंग पॉइंट लो होना चाहिए, ऑपरेटिंग प्रेशर लो होना चाहिए, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हाई होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए इसके भी रीज़न हमने आपको अभी बता दिए। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे आपसे कि क्या क्या हमारा फंक्शन होता है, इसके बाद हम बात करेंगे आपसे अगले टॉपिक पे। तो हम चलते हैं, नमस्कार।